टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। सिंगल यूज प्लास्टिक इस समाज के लिए एक अभिशाप है। पृथ्वी पर इसका निरंतर प्रभाव भी पड़ रहा है और इस बात से सभी लोग वाकिफ भी हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि इस पर किसी भी तरह से नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए जो विकल्प हो सकते हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन ऐसे में मेरठ से हिना रस्तोगी इस अभियान से जुड़ी हैं, जो लगातार कोशिश कर रही हैं कि सिंगल प्लास्टिक यूज़ से बचा जा सके। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं हैं, सरकार की तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन समाज के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और इसी कारण से वो इस अभियान को कंटिन्यूसली अपने बलबूते चला रही हैं। और उन्होंने एक नई तकनीक ईजाद की है और उसके तहत उन्होंने प्लास्टिक बैग की जगह क्या हो, ये सवाल उन्होंने समाज के सामने खड़ा किया है। उसमें वो लोग करके आई हैं एक कपड़े का थैला, जो प्लास्टिक थैले का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। समाज ने इन्हें एक नई पहचान दी है, थैली वाली लेडी, इस नाम से ये विख्यात भी हो रही है। मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इसके लिए उनको सराहा भी है। आज हमारे साथ हिना रस्तोगी हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा और आप लोगों से भी उनको मिलवाना चाहूंगा। स्वागत है हिना जी आपका। नमस्कार सर। जैसे कि आपने अभी मेरे से पूछा, प्लास्टिक हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वाकई ये सही बात है कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए खतरा है, लेकिन लोग बाग अवेयर नहीं हो रहे हैं या ये कहें कि बदलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक को एक सुविधा के रूप में ग्रहण कर लिया है अपने जीवन में। अब प्लास्टिक में सामान खरीदेंगे और प्लास्टिक को उसके बाद हम लोग ऐसे ही सड़क पर फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, उससे गंदगी होती है और गंदगी के कारण हमारा पूरा जो है मच्छर पनपते हैं, वातावरण दूषित हो जाता है। इसके जिम्मेदार हम लोग नगर निगम के अधिकारियों को बोल देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, नाले चौक हो जाते हैं और नाले के लिए हम ये कह देते हैं कि नाले का जो गंदा पानी है सारा सड़कों पर आ रहा है, वहां पे बदबू हो रही है, पानी में मच्छर हो रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वहां पे प्लास्टिक आई कैसे। अगर हम इस चीज पर विशेष विचार करेंगे कि प्लास्टिक वहां पर आई कैसे, किसने फेंकी, तो शायद उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। वो प्लास्टिक हमारे ही द्वारा लाई जाती है और हम ही लोग उसको कूड़े में फेंक के उसमें नालियों में जाते हैं और वो चौक हो जाते हैं, ताकि गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वातावरण दूषित हो जाता है। तो इसके लिए हमने हमारी संस्था द्वारा, गांधी देवी फाउंडेशन द्वारा सोचा गया, बहुत विचार किया कि हम प्लास्टिक का यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक का कैसे हम कम यूज कर सकते हैं। तो हमारी संस्था द्वारा कपड़े के थैले, जो कि विशुद्ध रूप से कॉटन के हैं, मैं दिखाना भी चाहूंगी आपके कैमरे पे कि कपड़े के थैले हम लोग ये संस्था द्वारा बनवाते हैं और ये प्योर कॉटन के हैं। आप इसको कितने भी टाइम यूज करें, गंदा हो जाए धोएं, लेकिन ये आपका कहीं नहीं जाएगा। जैसे प्लास्टिक लोगों को बहुत इजीली उपलब्ध हो जाती है, तो ये आपके द्वारा बनाए गए थैले ऐसे लोगों को उपलब्ध होंगे इजीली, क्या इस बारे में आपकी क्या योजना है? सर देखिए, मैं अपने लेवल पे कहीं से मेरे को कोई फंड नहीं मिलता है, ना कोई आगे आता है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई राजनीतिक हो या कोई भी समाज के जो सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं या एक बहुत ही बड़ी आबादी को एक प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई भी साथ नहीं आता है। मैं अपने लेवल पर हर कोशिश करती हूँ, हर प्रयास करती हूँ कि हर इंसान जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा थैले का यूज करें, क्योंकि पहले समय में भी जब हमारे दादाजी वगैरह सब्जी लेने जाते थे तो वो थैला ही लेके जाते थे और वो थैला हमारी दादी या हमारी मम्मी, हमारी ताई जी वगैरह ही सिलती थी। तो ये चीज हम अगर आज के अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करें तो शायद हो सकता है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को के इस्तेमाल को कम करें और थैले का उपयोग ज्यादा होगा तो गंदगी भी कम होगी और थैले का सब लोग प्रचलन वही आ जाएगा पुराना वाला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने संभवतः इसका उद्घाटन किया था या कुछ ऐसे में आपके फोटो लेके थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर जब हमने इसको इनॉग्रेट करा था तो उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल का कुछ कार्यक्रम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन आए थे केशव प्रसाद मौर्य जी, तो मैंने उनसे ये इनॉग्रेट करवाया था अपने थैले का। और वहाँ पर और भी बड़े राजनीतिक लोग थे, सांसद थे, विधायक थे, सबने सराहना की।
लेकिन ये सब कार्य केवल सराहना के लिए नहीं किया जाता है, लोगों को मोटिवेट करें। बहुत बड़ी आबादी है मेरठ की या आसपास के क्षेत्र की, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं सभी को पर्सनली घर घर जाकर ये थैले वितरित कर सकूं। सर, हमारे द्वारा अभी तक 28,000 से अधिक थैले वितरित किए जा चुके हैं, और जैसा कि आपने पूछा कि ये थैला किसी के पास कैसे उपलब्ध हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरठ में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनीतिक लोग हो या आम जनमानस हो, बिजनेसमैन हो, सबके पास, सबके घरों में, सबकी शॉप पर हमारे ये थैले उपलब्ध हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि शायद ही कोई इंसान इसको लेके चलता हो, और बस यही कहूंगी कि हम लोग इसको जगह जगह वितरित नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फिर भी हमसे लेना चाहते हैं तो मैं नगर निगम के द्वारा यही कहूंगी कि हमें एक जगह अलॉट हो जहां पर हम ये नो लॉस और नो प्रॉफिट पे ये थैले 20 या 25 रुपए में कुछ इसकी कॉस्ट आती है वो दे सकें और लोग इसका लाभ उठा सकें, आगे मोटिवेट कर सकें। क्योंकि लोग बात जो है, मैंने ये देखी है टेंडेंसी कि 20-25 रुपए की सिगरेट लेना पसंद करेंगे इन थैलों की बजाय। तो मोटिवेट भी करूंगी कि आप इन थैलों का इस्तेमाल करें, यही नहीं कि यही थैले लें, कोई भी थैला लें, लेकिन वो कपड़े का बना हो, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। ये थी हिना रस्तोगी, आपने इनके विचार सुने। ये भी देखने में आया कि ये अकेली ही इस कोशिश में लगी हुई है कि इस पृथ्वी को वन टाइम प्लास्टिक यूज से निजात मिल सके। इसके लिए ये सिर्फ अकेली ही नहीं है, लेकिन इनको आपके साथ की भी आवश्यकता होगी, साथ में जरूरत पड़ेगी उस सिस्टम की जिस सिस्टम पर हम लोग जिम्मेदारी देते हैं। तो समाज और सिस्टम से फर्स्ट बाइट की यही अपील है कि वो इनके साथ खड़ा हो, ताकि हम इस पृथ्वी को इस समस्या से निजात मिला सके। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।